8 वोल्ट की बैटरी, आईसी आपको दे रखा है 4 mA, वीसी आपको दे रखा है 4 वोल्ट, ठीक है, और वीबी दे रखा है 0.6 वोल्ट, और बीटा डीसी आपको 100 गिवेन है, ठीक है। तो आरएल और आरबी पूछ रहा है, तो आपको क्या पता, आईसी पता है, देखो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पता है, तो कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है ना, इसको उठा के आप इधर लगा दो, वही सर्किट बन जाएगा, वही कलेक्टर और एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक केवीएल लिख के भी देख सकते हो, बिल्कुल वही फार्मूला है, ठीक है ना। तो आपका वीसीई जो इसने दे रखा है, वीसीई 4 वोल्ट, वो किसके बराबर होता है, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी से, ठीक है। तो जो आपका आरसी है वो आरएल है ना, ये आरएल ही तो आरसी है, तो बस निकला हुआ है एक ही लाइन से, इक्वेशन से देखो आप, VCC माइनस ICRC इक्वल टू किसके बराबर होता है, VCE के बराबर होता है, ठीक है ना। VCE कितना दे रखा है आपको, 4 वोल्ट दे रखा है, VCC 8 वोल्ट, तो निकला हुआ है बेटा इससे एकदम RC RL, यहाँ लिख देता हूँ मैं, RC इक्वल टू RL है हमारा, इसने RL से डिनोट कर दिया, हम RC से डिनोट करते हैं, लिख लो इसको आप। VCC कितना है आपका, 8 वोल्ट आ गया, माइनस आर आई सी कितना है, 4 mA, तो 4 × 10⁻⁻³ - R3 RC, वी सी 4 वोल्ट है, तो आपका आर सी कितना आ जाएगा, 8 - 4, ठीक है ना, 8 - 4 / 4 × 10⁻³, तो बस ये 1000 ओम आ रहा है आपका सीरीज, ठीक है ना, 1000 ओम आ जाएगा। अब आर बी पूछा है, तो आपको वी बी ई गिवेन है, तो आई बी चाहिए, तो आई बी के लिए आपको बीटा भी गिवेन है, सब गिवेन है, आई सी गिवेन है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा ये, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन गलत ना करें बिल्कुल भी। बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, आई बी कितना आ गया आपका, आई सी अपॉन बीटा डी सी आ गया, ठीक है, आई सी की जगह 4 mA है, 4 × 10⁻³ - बीटा डी सी की जगह 100 है, तो कितना आ गया आपका, आई बी आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ A, ठीक है ना, आई बी आ गया आपका 4 × 10⁻⁵ A आ जाएगा, ठीक है। वी बी बी की वैल्यू आपको पता है, तीसरी इक्वेशन वही तीनों यूज हो रही है हर जगह, और कुछ नहीं है, ठीक है। आई बी 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 कितना आ गया आपका, वी बी ई प्लस आई बी इंटू आर बी, पहली इक्वेशन ही जो बनती है, तो वी बी किसके बराबर है आपका, क्या निकालना, क्या आपको आर बी निकालना है, तो सारी वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी इनपुट बैटरी उसने दे वही दे रखी है 8 वोल्ट, ये इनपुट आउटपुट दोनों वाली 8 वोल्ट है, तो 8 इक्वल टू वी बी दे रखा है 0.6 प्लस आई बी आपने निकाल ही ली है, तो आर बी आ तो गया आपका, आर बी भी आ गया, कितना आया, 8 - 0.6 अपॉन आई बी आ गया, ठीक है, तो 8 - 0.6 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁵, तो सॉल्व करके देखो इसको एक बार, 8 - 0.6 डिवाइडेड बाई 4, 1.85 × a आ रहा है, 1.85 × 10⁵, 1.85 × 10⁵ ओम, किलो ओम में कन्वर्ट करोगे तो 185 किलो ओम आ जाएगा बस, ठीक है, 185 किलो ओम आ जाएगा। फिर से वही तीनों इक्वेशन, बट इसमें इनोवेशन थोड़ा सा है कि आपके दोनों बैटरीज ऐसा भी आपको दे दे तो भी वो बायसिंग सर्किट है और वही बेस बायस है, उसके अलावा दे ही नहीं सकता ना बेटा, ठीक है। बट इसने क्या किया, इनपुट आउटपुट में वहां पे हमने वी बी बी और वी सी सी जनरली लगाई जाती है, इसने दोनों काम एक ही बैटरी से कर दी, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तनिष्क आ गया, पुष्पेंद्र कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें, बताओ।